तो हेलो नमस्ते दोस्तों, क्या आपकी वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ रहा है? तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपनी वीडियो पे से कॉपीराइट क्लेम को हटा सकते हैं बिल्कुल इजीली तरीके से। और मैं आपको ये बताऊंगा कि कॉपीराइट क्लेम क्यों आता है और इसकी वजह क्या होती है, सबसे मैं आपको डिटेल में आपको बताने वाला हूं, तो आप बने वीडियो के लास्ट तक। तो अभी हम चलते हैं अपने मॉल की स्क्रीन पर। तो जैसे दोस्तों हम आ गए अपने मॉल की स्क्रीन पर, तो यहाँ पे आपको गूगल क्रोम को लेना ओपन। अब गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च कर लेना यूट्यूब, और यूट्यूब पे आपको सर्च करने बाद इसको लेना डेस्कटॉप साइड पर। यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे करना है क्लिक, जो आपको डेस्कटॉप साइड दिख रही है उस पर आपको कर लेना है। फिर आप यहाँ पे अपने चैनल को लेना ओपन। फिर आपको यहाँ पे चैनल के लोगो पे करना है क्लिक। अब क्लिक करने में यहाँ पे आपको व्यू चैनल पे करना है क्लिक, व्यू योर चैनल पे करना है क्लिक। फिर आपको यहाँ पे कस्टमर चैनल पे करना है क्लिक। वाइट स्टूडियो में जाओगे ओपन डेस्कटॉप साइड पर। तो यहाँ पर हम अपने वाइट स्टूडियो पे आ चुके हैं। फिर आपको यहाँ पे कॉन्टेंट वाले ऑप्शन में करना है क्लिक। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, जरा कॉन्टेंट वाला ऑप्शन में करता हूँ क्लिक। फिर आपको यहाँ पे फिल्टर वाला ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको करना है क्लिक। अब क्लिक करने में यहाँ पे आपको कॉपीराइट पे करना है क्लिक। तो यहाँ पे आपको जितनी वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आया हो ना, वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे मेरी दो वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये वाली ऊपर वाली वीडियो, सबसे नीचे वाली वीडियो, इस पर कॉपीराइट क्लेम आ रहा है। दोनों में आपको दिखाता हूँ यहाँ पे थोड़ा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपीराइट क्लेम आ रहा है पहले वाली वीडियो पे, और थर्ड नंबर की वीडियो उस पर भी कॉपीराइट क्लेम आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जूम करके आपको दिखाता हूँ कि कॉपीराइट क्लेम आ रहा है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले वाली वीडियो पे कर लेता हूँ क्लिक। अब क्लिक करने में हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, छोटा करने से थोड़ा यहाँ बैक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉपीराइट लिख रहा है ना, इस पर आपको करना है क्लिक। अब क्लिक करने में आपको सी डिटेल पे करना है क्लिक। सी डिटेल पे क्लिक करने में यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा छोटा करके आप दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे चैनल लिख रहा है, इसके नीचे लिख रहा है नॉट इफेक्ट, मतलब यहाँ पे आपको चैनल पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे जी हमें नॉट इफेक्ट पे करा क्लिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो कॉन्टेंट आईडी क्लेम ऑन योर वीडियो Does not affect your channel. This is not a copyright strike. मतलब ये copyright strike नहीं है, copyright claim है। इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो वीडियो है ना, वो मोनेटाइज नहीं होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं copyright claim मेरे कितने से कितनी देर तक आया। यहाँ पे देख रहे हैं 7:51 से लेके 9:26 तक मेरे copyright claim आया। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने हिस्सा ही copyright claim का। अब इसको हटाना कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। इस पर आपको 3 डॉट पर करना है क्लिक, और फिर आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिमूव क्लेम्ड कंटेंट, जो हमारी वीडियो पे क्लेम है ना, उसको रिमूव कैसे करना है। यहाँ पर आपको 3 तरीके मिल जाते हैं क्लेम को रिमूव करने के लिए। तो सबसे पहला हमारा वाला ऑप्शन है ट्रिम आउट सेगमेंट, मतलब कि जो जैसे हमारे 2 मिनट से लेकर 3 मिनट तक हमारा कॉपीराइट क्लेम का जो हिस्सा है ना, वो हमारा जो हिस्सा है ना, वो कट जाएगा इतना हिस्सा। फिर आपको सेकंड ऑप्शन मिल जाता है रिप्लेस सॉन्ग, मतलब कि जो कॉपीराइट क्लेम आया ना, वो हमको सॉन्ग की वजह से आया। यहाँ पर आपको अपने सॉन्ग को रिप्लेस भी कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन मिलता है म्यूट सॉन्ग, मतलब कि जो हमारा बैकग्राउंड में जो हमने जो लगाया ना, उसके वजह से हमें कॉपीराइट क्लेम आ रहा है, उसको हम म्यूट भी कर सकते हैं, मतलब बंद भी कर सकते हैं। ये भी हमको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर हम सेकंड वाले ऑप्शन को यहाँ पर चुन लेते हैं, हम जो हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से कॉपीराइट क्लेम आ रहा है ना, तो उसको हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पर हम रिप्लेस सॉन्ग पर करते हैं क्लिक। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर जो रेड रेड दिख रहा है, वो हमारा कॉपीराइट क्लेम का हिस्सा है। तो इतने इतने हिस्से में हमको कॉपीराइट क्लेम आया है। तो यहाँ पर हमको नॉन कॉपीराइट बैकग्राउंड म्यूजिक मिल जाते हैं, यहाँ से हम कोई भी पसंद करके ऐड करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और हमारा कॉपीराइट क्लेम हट जाएगा। तो यहाँ पे मैं कोई सा भी बैकग्राउंड म्यूजिक यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उस पर ऐड पर कर दूँगा क्लिक। तो यहाँ पर हमारा ऐड हो जाएगा इजीली। तो इसको आप पकड़ के आगे भी कर सकते हैं, पीछे भी कर, यहाँ पे जैसे आपकी इच्छा वैसे आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ऐसा आपको यहाँ पे जितना भी रेड रेड हिस्सा है ना, यहाँ पे आप ऐड करके अपने म्यूजिक लगा देना है। फिर इसको आपको कर देना यहाँ पे सेव। अब सेव करने के बाद आपके 24 घंटे के अंदर या मतलब कि 48 घंटे के अंदर ये कॉपीराइट क्लेम हट जाएगा। तो थोड़ा समय लेता है, पर हट जाता है इजीली। तो अभी हम इसको यहाँ पे हटा लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चेकिंग वन फाउंड, मतलब यहाँ पे चेकिंग हो रही है, मतलब कि 48 घंटे या 24 घंटे के अंदर आपको कॉपीराइट क्लेम इजीली हट जाएगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, या आप मेरे को टेलीग्राम पे या मुझको इंस्टाग्राम में मैसेज करके आप सेंड करके मुझे से बात कर सकते हैं, मैं आपको वहीं पर रिप्लाई दे दूंगा। तो अब मैं आपको बता दूं कॉपीराइट क्लेम आता क्यों। जैसे कि आपने कोई बैकग्राउंड म्यूजिक अपनी वीडियो में लगा लिया, जिस चैनल का वो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना, उसको आपको क्रेडिट नहीं दिया, तो आपकी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। अगर आप अपनी वीडियो में कोई वीडियो क्लिप ऐड करते हैं किसी और की, तब भी आपको वीडियो कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। अगर आप कोई बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज कर रहे हैं या कोई वीडियो क्लिप का यूज कर रहे हैं, तो जिस चैनल से आप वो ले रहे हैं ना, उनको आप क्रेडिट जरूर दें, नहीं तो आप उनका डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। उनकी डिस्क्रिप्शन साफ साफ लिखा रहता है क्या क्या चीज आपको डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट में देनी है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो ऐसा आपको करना है। तो ऐसे यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को नहीं सब्सक्राइब, बेल आइकन पर कर लें प्रेस, और इस वीडियो कर दें लाइक। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।